नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सर्किल में। देखिए, आज हम बांग्लादेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल स्पेशल है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में बांग्लादेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे ही और जितने भी इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, मतलब बॉर्डर से लगे हुए, उनके देश के बारे में एक एक वीडियो करके, एक एक वीडियो में उनके बारे में जानकारी दे देंगे आप सभी को। तो आज बांग्लादेश के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक आप बांग्लादेश है, तथा बांग्लादेश शब्द का स्थानीय भाषा में अर्थ है बंगालियों का देश। ठीक है, स्थानीय भाषा में अर्थ है बंगालियों का देश। बांग्लादेश की आधी से आबादी किसान है। ठीक है, ये आपको याद रखना। बांग्लादेश को कभी कभी मौसमों का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चार नहीं छः अलग अलग मौसम, यहाँ चार ऋतुएँ नहीं छः ऋतुएँ होती, छः ऋतु होती हैं, जो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतो यानी इसको ठंड बोलते हैं वहाँ पे, शीत यानी शीत ऋतु, और बसंत यानी बसंत ऋतु बोलते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में छह ऋतुएं पाई होती हैं, चार ऋतुएं नहीं होती, और उसे मौसमों का मैदान कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ की जो है आधिकारिक अधिकतर आबादी अपने आप को बंगाली बुलाती है, और बंगला यहाँ की आधिकारिक भाषा है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या, तो यहाँ की बंगला यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी भी यहाँ बोली जाती है। बांग्लादेश में प्रमुख धर्म इस्लाम है, ये आपको याद रखना है, जिनकी आबादी 88.3% है। सभी बांग्लादेशी मुस्लिमों में 96% मुस्लिम सुन्नी और 3% शिया और 1% अहमदिया हैं। यहाँ पे हिंदू यहाँ का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है, बांग्लादेश का हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक धर्म है, जिनकी आबादी 10.5% है, 10.5% है, जबकि कुछ छोटे और अल्पसंख्यक ईसाई, बुद्ध और जीववादियों की यहाँ 1% से भी कम है संख्या। आबादी के लिहाज से बांग्ला देश विश्व में 8वां स्थान है, और जहाँ की आबादी 16 करोड़ से ज़्यादा है। बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा और विश्व का सबसे बड़ा मैग्राब वन यहीं पे बनता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का काकस बाजार जो है, काकस बाजार विश्व में सबसे लंबा अटूट समुद्र तट है। ये जलोढ़ मिट्टी में अपरदन से बांग्लादेश में विश्व की सबसे उपजाऊ डेल्टा जमीन यहाँ है, और जहाँ खेती होती है यहाँ पे सबसे उपजाऊ मिट्टी है बांग्लादेश की विश्व में, और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। काकस बाजार यहाँ का विश्व में सबसे लंबा अटूट समुद्र तट है। आगे देखते हैं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, आपको याद रखना है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ है, जो कि विश्व के सबसे बड़े शहर की श्रेणियों में आता है। इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। ढाका को जो है मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, देखिए बांग्लादेश की मुद्रा टका है, जो एक बंगाली नाम है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ का बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है, अभी पूछा जा चुका है एसएससी सीएचएल में, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु। इस राष्ट्रीय प्राणी की दहाड़ इतनी तेज होती है कि 3 किलोमीटर दूर से इसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश विलुप्त होती प्रजातियों की श्रेणी में है। बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है बांग्लादेश। यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसकी वजह से इस देश को विश्व के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिना जाता है। बांग्लादेश में निर्माण के लिए पत्थरों की कमी है, इसलिए यहाँ चिमनी वाले ईंटों की भरमार है। क्रिकेट का यह सबसे लोकप्रिय यहाँ का खेल है क्रिकेट, और 1999 में इसे वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल किया गया था राष्ट्रीय टीम के तौर पर, जबकि 2000 में इसे टेस्ट मैच खेलने के लिए दर्जा मिला है। आगे देखते हैं। बांग्लादेश
की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण पश्चिम मोपदोक घाटी में स्थित साका हफोंग है यहाँ की, जिसकी ऊंचाई मात्र 1052 मीटर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में बांग्लादेश लिबरन वार के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया 26 मार्च को। बांग्लादेश के ध्वज का रंग गहरा चमकता हरा रंग है और बीच में लाल चमकता हुआ बिंदु है। हरे रंग का मतलब है यहाँ के गांव की हरी भरी ज़मीन से, और जबकि लाल रंग का अर्थ है आज़ादी से। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है दोस्तों। आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, अमार सोनार बांग्ला। आगे देखते हैं, यहाँ सरकार प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाती है, या ये आपको याद रखना है, और राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है। बांग्लादेश जनसंख्या घनत्व 3,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, यहाँ के मोंगपाई रोबिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है, पूछा जा सकता है। मैंगपाई रोबिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल सफ़ेद फूल वाला लिली है, जिसे सफला भी कहते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीसीएल में, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कटहल जो यहाँ का राष्ट्रीय फल है, जबकि आम यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये क्वेश्चन आज ही पूछा गया है 27 मार्च को, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल कटहल है और आम यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। देखिए, बांग्लादेश का ये जो है वहाँ का ध्वज है, वहाँ का झंडा है, और इसका रेशियो पूछा गया है पिछले शिफ्टों में, इसका रेशियो 3.5 है, 3:5 है। देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति हामिद अंसारी, नहीं, अब्दुल हामिद हैं, और ये 20 मार्च 2013 से अभी तक करंट में भी हैं, यही 20 मार्च 2013 से। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना हैं, ये 6 जनवरी 2009 से अभी तक पद पे आसीन है, इस टाइम है करंट में। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड जानकारी थी, जो कि एसएससी सीसीएसएल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आसपास देशों से। तो मैंने सोचा कि बांग्लादेश के बारे में आपको जानकारी दी जाए। ऐसे ही जितने भी और भी देश बचे हुए हैं इंडिया से, इंडिया की सीमा से लगे हुए, उनके देश के बारे में भी जानकारी आपको एक एक करके वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो लगातार आप सबको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग दोस्तों, थैंक यू।